राम राम भाई, जय श्री बालाजी। तो भाई एक सोटे में जो संकट काट दे हुए अपने बालाजी हनुमान, तो भाई इस वीडियो में बने रहना क्योंकि इस वीडियो में बात होगी भाई श्री बालाजी मंदिर किसने बनवाया, मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, कैसे जा सकते हैं, सभी भाई इस वीडियो में जानकारी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कर देना, जो भी आपका दोस्त फैमिली मेम्बर कहीं पे जा रहा है, मतलब मेहंदीपुर बालाजी धाम पे जा रहा है, और खाटू श्याम जी के भाई बारे में जो भी, मतलब खाटू श्याम जी जा रहा है, खाटू श्याम जी के बारे में कुछ जानकारी जो मतलब आपको नहीं, जाने से पहले भाई वो जरूर देख लेना एक बार। तो भाई मेहंदीपुर बालाजी धाम भाई अपना दौसा ज़िले में, राजस्थान के दौसा ज़िले में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है ये भाई मंदिर, अपना हनुमान जी को स्थित है, हनुमान भगवान को। और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानता है भाई, यहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं क्योंकि बिना दवाई के जो संकट कटते हैं वो यहाँ कटते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम में, हनुमान जी के एक दर्शन मात्र से भाई बिना दवाई के संकट कटते हैं वो यहाँ कटते हैं। और भाई इसकी टाइमिंग है, दर्शन करने की टाइमिंग है वो है सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक, और जो आरती की टाइमिंग है वो एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे है। और भाई मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के भाई आसपास आपको कहीं भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं दिखेगा। और भाई यहाँ पे मतलब मेहंदीपुर बालाजी भगवान के सामने, मंदिर के सामने श्री राम भगवान का मंदिर भी है, क्योंकि आपको हनुमान भगवान के दर्शन ना हो और श्री राम भगवान के दर्शन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। और दोनों मंदिर भाई बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आप एक आँख देखते रहोगे तो देखते ही रहोगे, ऐसे मंदिर बना रखे हैं भाई, दोनों एक नंबर प्यारे मंदिर बना रखे हैं। और भाई बालाजी मंदिर में श्री बालाजी की, प्रेतराज महाराज की, भैरव सरकार की, दीवान सरकार की पूजा होती है। और भाई यहाँ से बहुत दूर दूर से भूत प्रेत ग्रसित लोग आते हैं, मतलब या तो मेहंदीपुर बालाजी धाम के गेट के अंदर घुसते ही या फिर मंदिर के अंदर घुसते ही भाई जिनमें भूत प्रेत की शिकायत है, भूत प्रेत का साया है, संकट में है, जो उनमें भाई भूत प्रेत आ जाते हैं और वही मतलब एक सोटे में ठीक हो जाते हैं वहाँ पे जाके। और रही बात भाई मंदिर के निर्माण की, तो भाई जहाँ पे फिलहाल मंदिर है वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, मतलब डाकू चोर भी आते थे और पशु पक्षी भी आते थे। तो भाई वहाँ के ही मंदिर, वहाँ के बालाजी के दौसा गाँव के एक पुराने महंत थे पंडित के, तो भाई वो सोते सोते उनको एक दिन रात को सपना आया कि वो सपने में उठ के चले गए जहाँ पे जंगल था, फिलहाल वहाँ पे जंगल में जाके भाई एक ओर से बैंडबाजों के साथ फौज आ रही है, एक साथ एक तरफ से भाई हजार लोगों के साथ फौज आ रही है। और भाई आके उन्होंने 3 बार गोल गोल घूम के और बालाजी को सेनापति ने उस फौज के दंडवत प्रणाम किया और पूजा की, और फिर जिस रास्ते से आए थे भाई वो चले गए। तो भाई महन जी हैरान हो गए और भाई आके फिर वो सो गए। महन जी को भाई फिर एक बार सपना आया कि उन्होंने 3 मूर्ति देखी हैं और आवाज़ आ रही है कि उठो महंत, मेरी सेवा का मौका ग्रहण करो। तो भाई वो महन जी वो उठे भाई और अपना उनको आवाज़ ना आई तो वो फिर हैरान हो गए। तो फिर जब सोने लगे तो फिर बालाजी ने उन्हें खुद दर्शन दिए, महन जी फिर हैरान हो गए कि बालाजी ने उन्हें दर्शन दिए हैं, और बालाजी ने बोला कि मेरी सेवा का मौका ग्रहण करो महंत। तो भाई ये फिर अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बताई चीज़, तो फिर भाई गांव वालों ने मिल के अपना वहाँ जो जगह बताई थी बालाजी ने और सपने में देखा था उस जगह की भाई खुदाई करवाई, वहाँ से 3 मूर्तियाँ मिली। तो फिर भाई सभी लोग खुश हो गए थे और भाई सभी लोगों ने मिल के फिर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि जिसे आप मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जानते हो, मेहंदीपुर बालाजी धाम के नाम से जानते हो। वहाँ भाई भोग की व्यवस्था करी, इस जब से भाई लाखों अरबों भक्त, करोड़ों भक्त वहाँ आते हैं और अपने दुख से मुक्ति पाते हैं, बाबा के दर्शन पाते हैं, एक दर्शन मात्र से कितनी भी बड़ी भूत प्रेत का संकट हो वो सब ठीक हो जाता भाई, बिना किसी दवाई के सिर्फ दर्शन मात्र से। आप वहाँ जाओगे तो आपको भूतों की चीखों की, मतलब चिल्लाने की आवाज़ें आती रहेंगी, आप डर भी जाओगे, लेकिन भाई बालाजी, और बोलते हैं भाई बालाजी आते हैं उनमें, बालाजी नहीं आते भाई, बालाजी के दूत होते हैं वो, जो उनको ठीक बाबा का आशीर्वाद होता है वो। तो भाई ये था भाई, ऐसे हुआ था मंदिर का निर्माण। और ये भाई कि बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कैसे जाएं, तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भाई आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो पहले भाई आपको बांदीकुई जाना पड़ेगा, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के धाम के जो सबसे निकट रेलवे स्टेशन है वो है बांदीकुई। यहाँ से, वहाँ से बांदीकुई से लगभग 34 किलोमीटर के आसपास, 35 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, जो कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो, 60 रुपये किराया है।
और भाई अगर आप एयरपोर्ट से एरोप्लेन से जा रहे हो तो भाई आपको जो सबसे नज़दीक पड़ेगा वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा। वहाँ से करीब 100-105 किलोमीटर की दूरी रह जा सकती है। वहाँ से आप अपना लोकल टैक्सी जीप से जा सकते हो, और अगर आप बस से जा रहे हो तो भी आपको बांदीकुई ही जाना पड़ेगा पहले, वहाँ से अपना फिर लोकल टैक्सी वो जीप वगैरह जो भी है। और अगर आप बस से जा रहे हो भाई डायरेक्ट जयपुर, जयपुर मान ले जयपुर के आसपास हो आप, तो आप जयपुर से जाके सीधी बांदीकुई की आपको बस मिल जाएगी, जो कि करीबन 150-120-130 रुपये के आसपास का किराया है उसका। तो भाई ये था कि मेहंदीपुर बालाजी जाएँ, कैसे मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कहाँ पे है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भाई शेयर ज़रूर कर देना उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन अगर लेके जाएगा कोई साथ में तो उसको दर्शन और भी अच्छे से प्राप्त होंगे। और भाई ऐसे ही खाटू श्याम जी की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पूरी, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन भाई मैंने वीडियो में डाल दी है उसमें, तो आप जो जाके देख सकते हो। और भाई मैं भी जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी धाम, तो मिलते हैं आपको वहीं, वर्चुअली दर्शन कराऊंगा, बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बालाजी बाबा सब पे दर्शन किए वो करेंगे। जब तक मैं वहाँ जा चुका हूँ भाई तब ये वीडियो अपलोड होगी, तो फिर भाई शेयर जरूर कर देना, कमेंट में जय श्री बालाजी जरूर लिख देना। तो मिलते हैं आपको, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।